फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है। देश में पनप रहे नक्सलवाद पर आधारित ये फिल्म, जिसमें कई मशहूर कलाकार हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के किरदार में है समीरा रेड्डी और अभिनेता सुनील शेट्टी। रेड अलर्ट के बारे में जब अभिनेत्री समीरा रेड्डी से पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूं कहा। रेड अलर्ट एक ऐसी फिल्म है जो नक्सलाइट मूवमेंट जो है हमारे देश में, इट फोकसेस ऑन दैट, इट शोज द प्रॉब्लम्स एंड द इश्यूज दे फेस। बहुत ही आई थिंक दिस इज अ टॉपिक दैट वी नीड टू रियली टॉक अबाउट और रेड अलर्ट फोकसेस ऑन दैट। रेड अलर्ट में मैं आई प्ले द रोल ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी इज अ वेरी सीधी सादी गर्ल, शी इज वेरी सिंपल और वन डे शी इज रेप्ड बाय द पुलिस और द नक्सलाइट्स फाइंड हर एंड द वे दे टेक हर इन और वो नक्सलाइट बनती है। एक इट्स हर जर्नी ऑफ हाउ शी टर्न्स फ्रॉम सिंपल गर्ल टू गन उठाती है, वो लोगों को मारती है, लेकिन एक रीज़न है, एक महत्व है, एक इंस्टिगेशन है। और लक्ष्मी का हर कैरेक्टर इन दिस फिल्म शोज दैट हर नक्सलाइट या टेररिस्ट या हर किसी का एक रीजंस होते रहते हैं क्योंकि वो लोग भी करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसलिए आई डोंट रियली स्पीक मच, आई कांट स्पीक मच ऑन दैट, आई कांट से कि हम इस स्टोरी से किसी का साइड ले रहे हैं। ये नहीं कि हम नक्सलाइट्स के साइड ले रहे हैं या हम गवर्नमेंट के तौर पे हम बोल सकते हैं कि दे आर रॉन्ग और हु इज़ राइट, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और वी आर हियर टू जस्ट एडुकेट दी पीपल और से कि ये हादसे हो रहे हैं, वी नीड द गवर्नमेंट टू वेक अप एंड डू समथिंग अबाउट इट एंड नॉट जस्ट किल ऑल द टाइम टू शो कि यू नो टू प्रूव अ क्राइम। बिकॉज आई थिंक कि यू नो देश में अभी बहुत सारे as I said we call it there it is the wrongdoings, you know, the way the government is handling it, main ye nahi bol sakti hu ki wo log right hai ya wrong hai, lekin there is more insafias happening, so the only way they attack back is by becoming on nakslite. They feel ki yahi ek outlet hai ki from a way that they can tell the rest of the world ki these problems are happening with us and nobody is listening to us. So it is wrong that somewhere they feel कि यही एक तरीका है जिस तरह से वो लोग लोगों को you know they can tell the world what's going on. That is why I think there are more nakslites right now joining us. See Red Alert की जैसी फिल्म, ये it's a very hard hitting film. So I'm not saying कि the masses are going to like it, but I'm sure they will understand कि ये अलग सा एक स्टोरी है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट्स अ स्टोरी, इट्स नॉट सॉन्ग्स और डांसिंग और ये सिर्फ एक स्टार्ट टू फिनिश एक वेरी हार्ड हिटिंग स्टोरी है, काफ़ी डीप ग्लैम है और इसलिए बाहर गाँव में वेदर यू से द स्टुटगार्ट फिल्म फेस्टिवल या द रूरा फिल्म फेस्टिवल दे वांट द डायरेक्टर्स डिविजन अवार्ड्स, सुनील को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है अब्रॉड। तो आई थिंक अगर फॉरेन मार्केट ने अप्रिशिएट की, आई फील समवेयर यू नो द मे बी द आवर सिलेक्ट इंडियन मासेस विल आल्सो लाइक इट। Sunil and me have already worked in 1-2-3, they and other, so we have a great working relationship. He's very easy to work with, but this role, I think for him was the most important role because it was a very focused, the whole film is focused on him and his character, and it is a true story and the character is based on a true story. So it was great working with him, it was just a lot of hard work for all of us. नहीं, मैंने आज तक किसी गर्ल नक्सलाइट से मैंने आई हैव नॉट मेट देम एंड यू नो आई डोंट नो हाउ आई रिएक्ट इफ आई मेट देम, लेकिन नहीं आई हैव नॉट मेट देम। अनंत जी एक बहुत ही इंटेंस डायरेक्टर है और आई लाइक द फैक्ट दिस वाज हिज आइडिया कम्प्लीटली। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट जो आज तक किसी ने एक्चुअली फोकस नहीं किया उस पर, आई लाइक दैट, आई लाइक द फैक्ट दैट इज टेकन अ ट्रू स्टोरी एंड टर्न इन टू अ फिल्म। रेड अलर्ट के डायरेक्टर अनंत महादेवन ने देश में फैल रहे नक्सलवाद को पैर पसारते देख ये फिल्म बनाई है।
फिल्म रेड अलर्ट और कलाकार सुनील शेट्टी के बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। सर, ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर में जब जाएंगे आप बैठ के देखना शुरू करोगे तो आपको लगेगा ये पिक्चर उस किस्म की, ये जो है ये पिक्चर, आप पिक्चर अंदर ग्रॉस कर जाओगे, बिल्कुल पिक्चर तक घुस जाओगे। ये तो मेरा अपना है, और जहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि जितने लोगों ने दिखाई है, उसमें मीडिया है, दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, अगर उन्होंने ताली मारी है, खुश हुए हैं। कल मैंने पाटिल साहब को पिक्चर दिखाई, आलोक पाटिल साहब को, वो बहुत खुश थे, जॉइंट कमिश्नर पुलिस बॉम्बे दिखाई, ही वॉज वेरी हैप्पी। सो दे ऑल सेड दिस इज द पिक्चर ऑफ पुलिस। एक्चुअली वो बनते भी कैसे थे, पर कैसे जबरदस्ती बनाए जाते हैं, कई बार अपने हालात की वजह से बनते हैं। सुनील शेट्टी की कहानी एक यही कहानी है कि वो एक बहुत गरीब परिवार का आदमी है और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए वो कहीं जाते, नौकरी करना शुरू होता है, खाना बनाता है, और वहाँ पर उसको पता रहता है जहाँ बीच में फंस गया हूँ वो नेक्स्ट से, उसके बाद उनकी सारी कहानी होती है कि वो वहाँ कैसे निकलते हैं, क्या करते हैं उसके लिए, नेक्सस की क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम है, दैट मीन कम टू 100%। ये 100% की डिमान थी कि जैसे सबसे पहले हम लोगों ने सुनील से बात की, सुनील को समझ बहुत अच्छा लगा। सुनील क्यों लिया, क्योंकि ये जो कहानी हमारे पिक्चर की है वो आंध्र प्रदेश है, और सुनील शेट्टी को देखने के बाद आपको लगता है कि दिस मैन बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। शूटिंग के हिसाब से, करेक्टर के हिसाब से सुनील शेट्टी जैसा आदमी कोई दूसरा हो नहीं सकता था इस रोल के लिए। जब सुनील शेट्टी आ गए उसके बाद आनंद और मैं जिस जिस एक्टर के पास गए, किसी एक्टर ने पिक्चर करने से मना नहीं किया, और करते करते एक ऐसी कास्ट खड़ी हो गई जो बहुत विशेष कास्ट है। आज इस पिक्चर के अंदर 6 नेशनल अवार्ड विनर्स हैं हु आर वर्किंग इन दिस पिक्चर। शायद मेरे लिए इससे खुशी बात मिली थी जब वहाँ पर जर्नलिस्टों ने और लोगों ने ये लफ्ज मेरे कहा, मेरे ख्याल में मेरे सिनेमा को इतना जोड़ा हुआ था उसको देखने के बाद, या इफेक्ट की दुनिया में शायद हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मैंने कोई बहुत अच्छी पिक्चर बनाई और जिसका आई शुड बी प्राउड। वहाँ पर लोगों ने मुझे कहा कि ये पिक्चर खाली आप हिंदी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, आप इसको डब कीजिए। उन्होंने कहा बंगाल में डब कीजिए, पर मैं बंगाल में नहीं कर पाया कि बंगाल में पिक्चर रिलीज नहीं हो सकती, क्योंकि वो डब पिक्चर दे डोंट वांट। सो आई डब इट इन तेलुगु, क्योंकि तेलुगु के अंदर अपना हैदराबाद साइड पे नक्सल बहुत था वहाँ पर थी। फिर हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ में लैंग्वेज में डब किया और इंग्लिश में डब किया। अभी ये पिक्चर 4 भाषाओं के अंदर रिलीज होने जा रही है। तो खैर ये तो किस्मत की बात है और लोगों को पसंद आने की बात है, पर पिक्चर मैंने एक सच्चाई पे बनाई है। ये एक वो कहानी थी जो हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स से उठाई थी, और ये एक असल कहानी है। इस पिक्चर का एक एक डायलॉग नेट से उठाया हुआ है, एक एक डायलॉग वो है जो नेशनल ने और पुलिस ने बोला है, इससे ज्यादा कोई भी ऐसा डायलॉग नहीं है जो फर्जी राइटर ने लिखा। फिल्म रेड अलर्ट को 6 अवार्ड भी मिल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि फिल्म रेड अलर्ट दर्शकों को कितना पसंद आती है, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है।